क्या करो ना भाई। एक आप सभी के लिए ऊपर इतना चिल्ला रहे थे, आपको गा रही है उड़ रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ यू, मतलब सारी चीज़ें पॉसिबल किया आप लोग ने, अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पे आए। दिस केक इज डेडिकेटेड टू यू गाइज, मेरे लिए बस दुआ करो, और आप लोग हो तो हम लोग हैं, आप लोग नहीं हम लोग कुछ भी नहीं। सो थैंक यू सो मच, लव यू गाइज अ लॉट। थैंक यू भाई, थैंक यू। फर्स्टली व्हाट वुड यू लाइक टू से आमिर का बर्थडे एंड बिकॉज़ इट्स वेरी रेयर टू सी यू, और आज आप आए हो, काफी स्पेशल बॉन्ड लगते हैं आपके। सी वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड अ ब्रदर इज आमिर, सो आई वुड बी मोर, आई एम मोर देन हैप्पी। बस वैसे तो भगवान कोई दुख दे नहीं, बट आई एम वेरी मच हैप्पी टू बी इन्वॉल्व इन ऑल हिज हैप्पीनेस, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी लक, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हिम ग्रो, एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, मे गॉड गिव यू व्हाटएवर यू विश टू, एंड आई लव यू ऑलवेज, एंड थैंक्स ऑलवेज फॉर बीइंग देयर। उसका इसके अलावा मैं बात करूँ आमिर की, कोई ऐसी बातें जो काफ़ी अच्छी लगती हो उनके बारे में अगर कुछ बताना चाहो। सॉरी, कोई ऐसी बातें जो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो आमिर के बारे में अगर बताना चाहो। क्या नहीं अच्छी लगती है, बस अच्छी ये नहीं लगती है, आई वॉन्ट हिम टू गेट कमिटेड बट एंड गेट मैरिज सून मे बी, आई मीन अकॉर्डिंग टू हिज एज, बट दैट इज नॉट हैपनिंग, सो अ लिटिल अपसेट, बट ठीक है, एक भाभी तो चाहिए, मे बी इन द नेक्स्ट ईयर मे बी। आमिर कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? मेरी मम्मी भी एक्चुअली मेरे पीछे लगी हुई है कि आमिर शादी करो, क्योंकि मेरे छोटे भाई ने शादी कर लिया है, फैजल एंड रुबीना, उनकी शादी हो गई, और अभी मेरी मम्मी पीछे लगी है, तो मेरी मम्मी मेरे हर दोस्तों को कॉल करती है कि आमिर को बोलो शादी करने के लिए। यार मैं बोल रहा हूँ कि अभी बहुत कुछ है लाइफ में देखने को, सेटल हो जाओ, इतना पैसा बना लो कि आगे पीछे किसी को टैग ना देखना पड़े। एग्जैक्टली, उसके बाद फिर नहीं, भाई तुम्हारा भाई, आई डोंट बिलीव इन दिस, मैं ये चीज में बिलीव करती हूं, तुम सेटल होने के बाद प्यार नहीं ढूंढ सकते, प्यार अपने आप हो जाता है ना। हां वो तो है, क्या बात है, स्ट्रेटजाइज नहीं कर सकते हो तुम प्यार को, बट ठीक है, एनीवे सीम्स लाइक मुस्कान यू आर वेरी इंटेलिजेंट इन लव स्टोरीज एंड ऑल। हां अभी हो गई हूं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज्यादा। इसके अलावा कुछ आने वाले समय में अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में? एक्चुअली सच बताओ मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूं, आई एम टेकिंग अ ब्रेक मे बी इन द नेक्स्ट वन वीक, सो दैट्स इट, फिलहाल सिर्फ एक ब्रेक चाहिए और कुछ नहीं। इसके अलावा हाल ही में 10 दिन पहले एक घटना घटी थी, मैं तुनिशा शर्मा की मैं बात करूँ, एक लव स्टोरी डिप्रेशन से बात हो रही है, और लव स्टोरी डिप्रेशन तो बोले तो काफ़ी वो हो जाता है। यू जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट माई व्यू इज ऑन दैट, सो बेसिकली सबसे पहले आई मीन आई थिंक सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, सबसे पहले गलती मतलब उनको एटलीस्ट खुद इतना स्ट्रांग होना था कि ये कदम नहीं उठाना था। नथिंग इज़ वर्थ गिविंग अप योर लाइफ, बट वो जहाँ पर भी है वो बस खुश रहे, मेरा सोल रहे, ओ यार विश हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बट जो भी आई डोंट नो, बस दैट्स इट, आई थिंक सुसाइड इज़ नो ऑप्शन। उसके अलावा आई टेल यू गाइस समथिंग, a very strong girl who has faced her life with courage and determination, I've seen her in a good, in a bad, and every way around, and she is a great example for everybody ki life ko itne strongly handle karke, and she is growing superb, so ye cheeze unki pasand aati hai meko, and jeeta jata example khada hai, so bolte hai na ki hamesha life ko strongly face karo, aage badho, bahut sare darwaze tumhare paas, ek acha darwaza choose karna hai। बहुत से लोगों का ब्रेकअप्स होता है, तो मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ ओवरकम हो सकती है, एवरीथिंग इज़ इन दी हेड, अगर आप माइंड में सोचोगे कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। हाँ थोड़ा वक्त लगता है, डिफिकल्ट है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ब्रेकअप हो, कुछ भी हो, हर चीज़ का एक रास्ता होता है, थोड़ा वक्त लगता है, हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, तो यू कैन ओवरकम इट। आई मीन ऑफकोर्स रिलेटेड टू माई पास बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव कम आउट ऑफ इट एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एज अ बेटर पर्सन, तो बस जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, दैट्स इट। बाकी हम लोग भाई बहन एक दूसरे के लिए, यू आर द इंस्पिरेशन ऑफ थाउजेंड पीपल। एक्चुअली ये एक हमारी प्यारी दोस्त है सानिया जी, वो मतलब प्यारी बहन जैसी अपनी, उन्होंने मेरे को ये अपने हाथ से पहनाया एंड बोला कि ये आपको बहुत सूट करेगा, एंड शी वॉन्ट्स मी टू शाइन लाइक दिस, सो ये उसका मतलब। थैंक यू, 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 थैंk
थैंक यू सो मच। किस तरह से आज का दिन गया, आज ही आपका बर्थडे, मैंने देखा भी गूगल पे, गूगल ने भी बताया आज ही आपका बर्थडे, तो किस तरह से काफी अच्छी ग्रैंड एंट्री भी हुई, क्या कुछ कहना चाहोगे बर्थडे के लिए? पहले तो मैं बोलूंगा कि थैंक यू सो मच कि आप लोग सब लोग यहाँ पे आए, एंड इट वॉज ऑलवेज अ बिग सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज कि आप लोग ने आज मेरे को यहाँ से उठा के एक यहाँ तक लेके आए। मतलब मेरी मेहनत तो थी बट आप लोग की भी मेहनत बहुत ज़्यादा थी। वो बोलते हैं ना कि एक झाड़ जब बढ़ता है तो उसको पानी देते हैं तो और वो झाड़ और बढ़ता है और अच्छा होता है, और नरिशमेंट देते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो जो हम लोग के लाइफ में फर्टिलाइज़र का काम होता है वो आप करते हो, हम लोग को एक शाइनी वे में दिखाना, सारी चीज़ें करना। सो थैंक यू सो मच पहले आप लोग सब लोग को। और कल का दिन, जो कल शुरू हुआ मेरा बर्थडे वॉज वेरी अमेजिंग। सबसे पहले मैंने मेरे फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया, स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मैं आई वॉज इन थाने फैमिली के साथ, फिर दोस्तों के साथ, फिर वो पूरी रात चलते गया केक कटिंग, एंड उसके बाद मैं सुबह आके लेट सोया, यू कैन सी माई आइज एंड ऑल, थोड़ा स्वेल हो गया क्योंकि मेरे को नींद नहीं मिली है, बट अभी यहाँ पे जो होने वाला है दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। सो डे इज़ गोइंग सुपर अमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह। साल की शुरुआत में ही आपका बर्थडे आता है, तो फिर बाद में किस तरह से पूरे साल को आप प्लान करते हो? इस साल की मैं बात करूँ, किस तरह से आपने प्लान किया 2023? अभी सब लोग ऐसा सोचते हैं कि न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है सबका कि मैं ये करूँगा ऐसा करूँगा, तो मेरे को ना डबल चीज़ मिल जाती है कि मेरा बर्थडे भी है, तो बर्थडे के बाद इंसान होता है ना कि मैं और मेहनत करूँगा ये, तो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन के साथ बर्थडे का मोटिवेशन वो एक अलग हो जाता है। तो ये साल हम लोग का प्लानिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मतलब वो था ना कि एक अंडे के शेल में से बाहर निकल के अब और कुछ करना है। पहले मैं बोलता था आई एम नॉट ए टीवी मटेरियल, मेरे को टीवी नहीं करना है, बट अब आई एम प्रिपेयर्ड, एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन किया, खुद को ग्रूम कर रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग फिटनेस पे भी वर्कआउट चालू होने वाला है, प्लस आई हैव एंटर्ड इनटू बिजनेस एज वेल, पीछे लगा हुआ है नॉट्स रेबिलियन NFT, और फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट Web3 एंड NFT, तो उसमें भी हम लोग स्टेप करने वाले, प्लस दे आर डिफरेंट प्लान्स। मेहुल भाई प्लीज़ आइए। So the man behind everything over here at this point of time is Mehul bhai. Parikshit bhai ka hum log wait kar rahe hai. So yahan pe aap log dekh rahe rahoge Knots, Valkyries NFT aur Rebellion NFT. So this company belongs to Mehul bhai, and Mehul bhai ka company is basically managing me at this point of time. To jo future hum log ne decide kiya, Mehul bhai kuch aap batayenge uske bare mein. Yes sir, NFT ke bare mein. NFT एक नॉन फंजिबल टोकन है जो सारे सेलिब्रिटीज हैं जो NFT अपना लॉन्च कर रहे हैं, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक NFT बनाई थी, और सनी लियोन ने NFT बनाई थी, सोहिल खान के हमारा साथ कॉन्ट्रैक्ट चालू है, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में भी आने वाले हैं। इसके अलावा आमिर आपसे जानना चाहूँगा NFT को लेके क्या कुछ होने वाला है, अगर आप कुछ डिटेल में बताएंगे NFT के बारे में। सो बेसिकली अभी जो हम लोग का प्लान है, बेसिकली मैं खुद NFT को स्टडी कर रहा हूँ कि NFT में क्या क्या फैसिलिटीज़ मैं मेरे क्राउड और ऑडियंस को दे सकता हूँ। अभी इंडिया में NFT का नॉलेज बहुत कम लोगों को है, बट दिस इज़ फ्यूचर। मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द सेलिब्रिटीज़ और हम लोग आर्टिस्ट सिंगर्स एंड ऑल सब Web2 में, बट दिस इज़ समथिंग कॉल्ड एज Web3 जो हम लोग स्टेप करेंगे फ्यूचर में। तो अभी से अगर करेंगे तो आगे चल के ये एक अलग रिस्पॉन्स और फ़ायदा देने वाला है सब लोग को। सो NFT इज़ बेसिकली लाइक मैं जो मेरी NFT लेके आऊँगा, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा कि सिर्फ मेरे को ही फ़ायदा हो, आई विल थिंक अबाउट द पीपल एंड द कम्युनिटी एज वेल। एंटायर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी को हम कोलैब कर रहे हैं। इसके अलावा आमिर, रियलिटी शोज की तरफ किस तरह देख रहे हो? फैजू ने काफ़ी रियलिटी शो में मार दिया अपना, लास्ट ईयर ही मैं बात करूँ पूरा फैजू के रियलिटी शो और फैजू ही था ऐसा लग रहा था। आपको अगर कभी ऐसे कॉल आते हैं रियलिटी शो, इस बार बिग बॉस से कॉल आया था कि कभी अगर कॉल आया बिग बॉस से या फिर कोई भी रियलिटी शो, तो किस तरह से आप देखते हो? सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू गाइज, जैसे आफ्टर माई कॉन्ट्रोवर्सी देर वॉज कम्प्लीट, मतलब बिग बॉस का था मेरे को, बट मैंने तभी बोला था, भाई थे तो मैंने भाई को बताया था कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बिग बॉस, बट अभी मतलब ये साल देर वॉज अ टॉक गोइंग ऑन फॉर वाइल्ड कार्ड, बट मेरे को वाइल्ड कार्ड नहीं जाने का, मेरे को फर्स्ट डे से जाने का है। और रियलिटी शो अगर मैं करूँगा दैट वुड बी बिग बॉस, एंड यू गाइज नो मी कि अगर अपन गए तो इट्स गना बी बैंग ऑन। सो इंशाल्लाह यू कैन सी मी इन फ्यूचर, अगर मेरे को अगले साल आएगा तो नो डाउट आई एम गना किल इट। पर इस बार किसको सपोर्ट करते हो? इस बार माई कम्प्लीट सपोर्ट इज फॉर MC Stan P Town बेबी, आई फील हिम एक्चुअली, एंड देन शिव ठाकरे, साजिद सर एंड अब्दुल रोजिक। और डिजिटल मीडिया के और कौन से जो आर्टिस्ट हैं उनको आप देखना चाहेंगे घर में? मैं देखना चाहूँगा डिजिटल मीडिया से उर्फी जावेद, एंड
एंड अंजलि अरोरा को देखना चाहूँगा मैं, मुनव्वर फारूकी को देखना चाहूँगा मैं, फैजू को देखना चाहूँगा, प्रतीक भाई को तो देखा, प्रतीक प्लेड वेरी नाइसली लास्ट ईयर एंड आई वॉज सपोर्टिंग हिम, एंड उसके बाद मैं खुद को देखना चाहूँगा, खुद को कौन नहीं देखना चाहेगा, एंड आई एम गोना किल इट। मतलब ऐसा है कि मेरे को इनको तो देखना है बट इनके साथ मेरे को भी अंदर जाना है ऐसा। अगर कैरी मिनाटी और आपको एक साथ बिग बॉस के घर में देखा जाए तो फिर क्या है? ऑलवेज रेडी, मोस्ट वेलकम। ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि इंडिया का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होएगा। वैसे वी आर नॉट एनिमीज, मतलब वो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, ही डिड हिज वर्क, आई डिड माई वर्क। पहले मेरे को ऐसा लगता था कि क्या हो गया है, ये कुछ दुश्मनी है, ये है वो है, बट बाद में समझ में आया दिस इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, इसको पॉजिटिवली लो। आज मेरा पहले से नाम था बट दैट वॉज समथिंग डिफरेंट, उससे भी एक लोगों की मेरे को एक वो बोलते हैं ना कि एक ऑडियंस मिली मेरे को एक अलग तरीका की, अब वो मेरे ऊपर है कि हाउ आई कन्वर्टेड, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करूँ, नेगेटिव वे में कन्वर्ट करूँ, बिजनेस वे में कन्वर्ट करूँ, बट दैट वॉज अ प्लस पॉइंट, आई डोंट टेक इट नेगेटिवली। और अगर बिग बॉस में हम लोग दोनों गए तो ये तो कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज हो जाएगा, मजा आएगा। अभी किस तरह का रिलेशन है अबाउट यू एंड कैरी? एक्चुअली मैं आई वॉज सपोज टू इनवाइट हिम फॉर माई बर्थडे बट ही स्टेज फरीदाबाद दिल्ली, सो मैं इन्वाइट नहीं कर पाया, बट इंशाल्लाह इन फ्यूचर आई एम प्लानिंग कि वी वुड कोलैबोरेट, ऐसा देखने को मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू आमिर एंड रुबीना, मैं दोनों के लिए यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो आई थिंक आगे जितना वो बढ़ रहा है तो ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं चाहूँगा कि वो और आगे बढ़े और बहुत कुछ करे। और कोई सवाल पूछ सकते हो आप लोग? हाँ तो अपकमिंग 43 में नए साल में क्या कुछ आपका कुछ होने वाला है और क्या कुछ अलग कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है? देखो टाइम आपने आप थोड़ा दिखे नहीं ज़्यादा। यस एक बहुत लंबे गैप के बाद एक्चुअली मैं मुंबई में नहीं था, मैं शिफ्ट हो गया था चंडीगढ़ फॉर सम वर्क, उसके बाद फाइनली 3 मंथ्स बैक मैं मुंबई वापस से शिफ्ट हुआ हूँ। और 2022 मैंने सिर्फ मेहनत की है बैक एंड पे रह के, कैमरे के पीछे रह के 2022 में मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे गाने बनाए हैं, बहुत सारे बड़े कोलैबोरेशंस किए हैं, तो आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ये रिवील कर रहा हूँ, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा एक गाना भी मिलिंद गाबा के साथ आ रहा है। सही है। जो बन चुका है, शूट हो चुका है, डेजी शाह के साथ आ रहा है, क्या बात है। और क्या बात है। एक गाना मायशा अय्यर के साथ अभी शूट किया है गाना, मतलब काफ़ी सारे गाने मैं अभी शूट कर चुका हूँ जो कि रिलीज़ होने वाले हैं और बहुत अच्छे बड़े लेवल्स के साथ आ रहे हैं वो सारे गाने, वीडियो के साथ सब शूट हो चुका है, तो मैंने ही लिखे, कंपोज किए और गाए हैं गाने, तो 2022 मेहनत की है, अब 2023 में धमाके करने का। कैसा एक्सपीरियंस वर्किंग विद गाबा और तेजी से, दोनों बड़े बड़े स्टार्स हैं और सिंगर में भी वो? ऑनेस्टली बताऊँ मैं सबसे पहले हनी सिंह का फ़ैन था, यानी हूँ, सेकेंड मैं मिलिंद गाबा का फ़ैन था यानी हूँ, और अभी वो टाइम आया कि मैंने उनके साथ काम किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, आई एम द लकीएस्ट वन। ओके, आप देख सकते हैं रिसेंटली एक सैड न्यूज़ मिला, मतलब टीवी इंडस्ट्री से जो मिस्टर शर्मा जी है वो नहीं रहे, और उनका आज बर्थडे भी है, तो क्या क्या कहना चाहिए? अच्छा, उनका बर्थडे भी है? यस अमीर भाई का बर्थडे। देखो बहुत दुख की बात है, जिस दिन ये हुआ था तो ये न्यूज़ जैसे ही मैंने देखी थी, मैंने एक्चुअली मेरा कभी उनसे डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं था, बट मेरे जो काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, जो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, तो देवर लिटरली क्राइंग, और उन सबको बहुत बुरा लगा और मुझे उनको देख के बहुत बुरा लग रहा था कि अपने किसी अपने को खोया है और इंडस्ट्री के अच्छे फेस को खोया है, और इतनी यंग थी वो, इतना टैलेंटेड थी, एंड मैंने उनका एक वीडियो भी देखा था जिसमें शी वाज़ सिंगिंग, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ, और भी ज़्यादा बुरा फील हुआ कि एक हमारे बीच से एक बहुत अच्छा यंग टैलेंट चला गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी अभी मैं बस यही दुआ करूँगा कि वो जहाँ भी हैं, जिस भी दुनिया में हैं, उनको सब कुछ मिले और बहुत खुश रहें वो। थैंक यू। लेकिन आपके मामले में देखा गया कि आपके वेल विशर्स हैं, तो लास्ट आप वेल विशर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैंने हमेशा ये बोला है कि मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, एंड में मेरे को एक छोटी सी ज़मीन मिलने वाली है, उसमें जाने वाला हूँ, ये फॉलोअर्स, ये फेम सब यहीं रह जाता है, लोग सिर्फ याद रखेंगे आपकी अच्छी बातें, और आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मतलब आई वॉज एट अ सिचुएशन वेर आई हैव फेस्ड
एंड लेवल का एंजाइटी, एंड लेवल का डिप्रेशन जब मेरा कंट्रोवर्सी चल रहा था, बट उसमें से निकालने वाला सबसे बड़ा हाथ था मीडिया का और मेरे फैंस का. मैं फैंस नहीं बोलूँगा, फैमिली बोलता हूँ. सो अगर ये लोग हैं तो मैं हूँ, ये लोग नहीं तो मैं कुछ भी नहीं हूँ. आज जो भी हूँ इनके वजह से हूँ. तो बस आप लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जैसा हमेशा से मिलते आए. थैंक यू सो मच. इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत थैंक यू सो मच. मीन्स अ लॉट गाइस, मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. आज आपका बर्थडे और आपका जो बर्थडे का डेट है, इट इज आल्सो बीइंग शेयर्ड बाय तनिषा शर्मा. व्हाट यू टेक ऑन दैट केस? मे हर सोल रेस्ट इन पीस. एंड शी वॉज अ वेरी अमेजिंग एक्ट्रेस. डेली सोप में बहुत अच्छा काम कर रहे थे. और मैं बस ये दुआ करूँगा कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे. बट मेरा ना एक चीज़ बोलना था कि लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन. गाइज लाइफ में और भी बहुत कुछ है. यू कॉन्ट एंड योर लाइफ लाइक दिस, क्योंकि आपके पीछे आपकी फैमिली है, पेरेंट्स है, दोस्त लोग है. अगर आपको कभी ऐसा कुछ फील होता है या गलत ख्याल आता है ना, आपके पास बहुत लोग है. बात करने जाओ लोगों से, ज़रूर कोई ना कोई सुनेगा. अगर कोई नहीं सुन रहा है, मैं हूँ, मेरे को मैसेज करो, मैं सुनूंगा. मेरे को बात करना है. मैंने आई हैव माई स्नैपचैट अकाउंट वेर आई हैव अ सेशन जहाँ पे मैं लोगों से पूछता हूँ आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करो, मैं आपका नाम हाइड करके उसका सोल्यूशन दूंगा. तो लिटरली लोग मेरे को वहाँ पर मैसेज करते हैं, बोलते हैं कि इट्स हेल्पिंग अस. मतलब एक वो होता है ना कि एक सेशन हो जाता है, एक वो काउंसिलर और डॉक्टर वाला वे होता है, बट आई हैव अ टीम जो मेरे को गाइड करते हैं कि उनको कैसे उनके सोल्यूशंस देना है, उनको रिप्लाई करना है. तो ऑलवेज फेस योर लाइफ विद करेज एंड डिटर्मिनेशन, नेवर एवर गिव अप. इट्स ऑल अबाउट मूविंग ऑन. लाइफ में अप्स एंड डाउन आते रहते. वो ECG ग्राफ देखा है ना, अप एंड डाउन है तो मतलब इंसान जिंदा है, स्ट्रेट लाइन आया मतलब ही इज डेड. तो सेम वे अप्स एंड डाउन रहना चाहिए लाइफ में, नहीं रहेगा तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता है. एंड सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन. बहुत सारे दरवाजे हैं आपके सामने, यू जस्ट हैव टू चूज द राइट वन. थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू सो मच. किस तरह के विशेष आप लोग देना चाहेंगे? आई रियली विश हिम अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे. एंड न्यू ईयर का फर्स्ट बर्थडे है एंड आई थिंक फर्स्ट इवेंट फॉर मी. एंड ही इज़ माई वेरी 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 गुड फ्रेंड एंड उनका सेंस ऑफ ह्यूमर आई रियली लाइक द मोस्ट. सो या आई रियली विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आप क्या आप क्या कहना चाहोगे? अभी बहुत बहुत दिल से उनको हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा. वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अल्लाह उनको हमेशा बहुत लंबी उम्र दे और आगे बढ़ने की सलाहियत दे, बस यही कहना चाहूँगा. आपकी कोई रील्स आने वाली समय में देखने मिलेगी, क्योंकि हमेशा काफ़ी रील्स पॉपुलर होने कुछ अगर बताना चाहो. आप कौन सी रील देखना चाहते हैं इस साल? अर्शी के साथ कि किसी और के साथ? अर्शी के साथ या फिर कोई? हाँ, सो एज ऑलवेज मेरी रील्स बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है लोगों को एंड खासकर अर्शी के साथ. सो आज अर्शी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरी थी जो बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी. कितनी हॉट सर्जरी उन्होंने करवाई है. सो या हमारे रील्स उस सर्जरी के साथ बहुत जल्दी आने वाली है. पिछले साल हॉट थे, इस बार हॉट और सिडक्टिव दोनों होंगे इस साल. सो जस्ट बी रेडी. या I don't know what exactly happened, but suicide is just not the way. And everybody really misses her. Even though मैं इतने अच्छे से नहीं जानती थी, but even you know I really miss her too. And I'm so sorry for her family. Recently, हमने आपका vlog भी देखा, दूर से गए थे तो next वाला vlog. Yes. अपना और तो टीम को मस्त फुल एंजॉय किया. तो next वाला कितना होगा? आप अपने वाला पॉजिटिव में क्या बताएं? Next vlog. Collaboration with somebody. Maybe आने वाला है, maybe not, because अभी 2023 I feel like is going to be an amazing year for all of my projects, because बहुत सारे projects अभी 2023 में कुछ आने वाले हैं and कुछ blockbusters शुरू होने वाले हैं. So yes, projects तो भी आते ही रहेंगे, so stay tuned. और जैसे कि YouTube पे हम देख रहे हैं, मतलब हर जगह बहुत सारे आपको वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं आपके, मतलब एज के बारे में. तो क्या इसके बारे में क्या आपका रिएक्शन है? ट्रोलर भी है उसके बारे में क्या? वेल मैं क्या कहूँ, जितना मुझे प्यार मिलेगा, ऑफकोर्स हेट तो मिलेगा, बट मैं प्यार पे ज़्यादा फोकस करती हूँ एंड आई जस्ट डोंट गेट समथिंग, बट ठीक है, इट्स फाइन. बस मैं ये
देखती हूँ कि जितना लोग मुझे प्यार देते हैं मैं उन्हें नोटिस करती हूँ, हेटर्स नहीं, इट्स फाइन, बट जो लोग प्यार देते हैं आई लव यू गाइस। एक मिनट ओके ना, अभी आपकी मूवी भी आ रही छतरी वाले रकुल जी के साथ, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। कि वो मूवी बहुत ज़्यादा ही लोगों को, बहुत एजुकेटिंग फिल्म है एंड लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, और बहुत बहुत अच्छी, तो बहुत ज़्यादा एजुकेशनल फिल्म है लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, एंड इट्स अ वेरी नाइस मूवी बिकॉज बहुत लोगों को, बहुत लोग मतलब इस मूवी से रिलेट करेंगे कुछ ना कुछ चीज़ में। तो आपके रोल के बारे में कुछ बता दीजिए। मेरे रोल के बारे में, वेल मेरा रोल एक इमोशनल सेंटिमेंटल रोल है एंड बाकी मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, बट योर रीमा इज देयर, सो जस्ट गो एंड वॉच इट जब भी आएगी 20th January, डोंट फॉरगेट। थैंक यू। किस तरह के विशेष देना चाहोगे? कि हैप्पी बर्थडे आमिर भैया, एंड आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते रहो एंड बहुत ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे एंड आई नो इट एंड यू आर द बेस्ट बॉन्ड। किस तरह की बॉन्ड आप लोग शेयर करते हो, अगर कुछ आप बताना? हमारी बॉन्ड बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज ही इज़ लाइक द बेस्ट ब्रदर एंड बिल्कुल मेरे भाई जैसे हैं, एंड यू नो हम चाहे ज़्यादा ना मिलते हो बट हमारी बॉन्ड कभी नहीं टूट सकती। रीवा कुछ स्पेशल गिफ्ट आप लेके, अगर आप कैमरा को बताना चाहो क्या कुछ है? सो गाइस दिस इज लाइक अ चॉकलेट रोज जो मैं आमिर भैया के लिए लाई हूँ, एंड मैं केक्स भी लाई हूँ, वन रुबीना दी के लिए एंड वन आमिर भैया के लिए। रीवा इसके अलावा बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हो, अगर कुछ आप बताना चाहो? बिग बॉस देखते हो? नहीं, बिग बॉस नहीं देखती। आने वाले समय में क्या कुछ प्रोजेक्ट आने वाले 2030 में? यस, 20th January, इनफैक्ट 20th January को मेरी मूवी आ रही है छतरी वाली ऑन Z5, जो कि जल्दी ही है 2023 का, यू नो बिगिनिंग विद यू नो अ ब्लास्ट। वुड यू लाइक टू से समथिंग अबाउट योर रोल? माय रोल इज अ वेरी इमोशनल रोल एंड लोगों को बहुत यू नो मैसेज देने वाली फिल्म है ये, एंड जो चीज़ लोगों को मतलब बहुत लोगों को क्लियरली नहीं पता, लोग इस मूवी में ना कहीं रिलेट करेंगे। इट्स यू नो अ मैसेज गिविंग फिल्म, लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेज देगी एंड इट्स अ वेरी नाइस फिल्म एंड RSVP है और मैं हूँ तो बेस्ट ही होगी ना। थैंक यू सो मच। कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। बताइए शिवा भाई आ रहे हैं क्या? आ रहे होंगे, उनको भी बुलाया ही होगा, दोस्त सभी के। ओके बोलिए क्या है। हैप्पी बर्थडे विश करना चाहेंगे एंड आगे की लाइफ के लिए उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहेंगे। तो जैसे कि आमिर भाई मेरे बड़े भाई लगते हैं एंड ऐसे ही नहीं, वो मतलब इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारा टफ टाइम देखा है उन्होंने एंड मुझे भी बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने इंस्पायर किया। मेरा भी डाउनफॉल चल रहा था पिछले साल, बट 2023 आमिर भाई के साथ हम लोग भी है एंड जैसे वो हमारे सपोर्ट बने तो हम लोग भी सोच रहे कि दैट यार कहीं ना कहीं बुनियाद में हम भी थोड़ी सी सीमेंट बन जाए ताकि इमारत अच्छी खड़ी हो। नए साल में बस ये है, अगर मैं जोकर की तरफ आता हूँ तो तुम सारे इंसान हो बस ये इंसानों की रियलिटी मुझे बताना है इस साल में, वो मेरी वर्डिंग्स के थ्रू और जैसे भी बोलते लोग कि दैट यार रैप एंड ऑल ये वो, तो रैपर तो मैं बन नहीं सकता एंड मुझे पता है कि जोकर कोई नहीं बन सकता, तो जोकर एक ही है एंड दैट्स इट। और ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि बस जोकर दिल में और रिकस्टार बाहर है एंड रिकस्टार जब अंदर जाएगा तो जोकर ज़रूर बाहर आएगा, तो जोकर कभी मरेगा नहीं, जोकर आता रहेगा हमेशा और हंसाता रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आप कभी में क्या कुछ आने वाला है, आपके दोनों का कोई एल्बम या कोई नया कुछ प्रोजेक्ट आना? आपको पता चल जाएगा। मुझे रिवील नहीं करना है बट इंशाल्लाह मैं अपने ब्रांड के साथ भी आ रही हूँ, क्लोथिंग ब्रांड, सो यस उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ एंड मैं सोलो कर रही हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मैं कोई पार्टनर या फिर मैं किसी के भी सपोर्ट के साथ करूँ।
सो ये जो अकेले स्ट्रगल करते वो बहुत आगे जाते लाइफ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत पहली बार तो शॉकिंग लगा सुनकर एंड देन उनकी फैमिली एंड ऑल अभी बहुत चीज़ों से गुजर रही होगी. सबकी लाइफ में आता है टफ टाइम, हमारे आपके हर किसी की लाइफ में. जो हंसते हैं सबको लगता है कि यार टीवी है सोशल मीडिया पे लोग कितना हंसते हैं ये वो, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी. बट रियल में उनको ही पता होता है कि उनकी एक्चुअल लाइफ क्या होती है. तो किसी हर किसी के साथ काइंड रहो, किसी को भी हर्ट मत करो, अच्छे से रहो. एंड अगर आपको कोई मेंटली प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करो, ऐसे नहीं कि आप उसको अपने आप के अंदर ही ये सब करते रहो एंड आपको इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़े और आप अपनी फैमिली के बारे में ना सोचो. तो मुझे बहुत बुरा लगा था सुन के एंड मैं तो रोई भी थी. मतलब मैं तो कुछ नहीं लगती हूँ बट फिर भी मुझे रोना आ गया था बिकॉज ऐसे लाइफ में आते हैं सिचुएशन जहाँ हमको भी ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ ख़त्म कर लें बट नहीं. इन शॉर्ट सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन. बस यही बोलना चाहूँगा जैसे कि आमिर भाई ने बोला कि दैट सुसाइड ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारे रास्ते होते हैं एंड वही जैसे दरवाजे बहुत है आपको चुनना राइट वाला है. हाँ, ऐसा अब वो हमें पता नहीं होता, बस थोड़ा सा रुकना पड़ता है यार. स्टे ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो 10 खोलता है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा. थैंक यू सो मच. आज आमिर का बर्थडे है और ये आई गेस अच्छे फ्रेंड्स बने जैन भी, मेरा भी बर्थडे आता है एक्चुअली जैनवरी में. बहुत एक्साइटेड न्यू ईयर के साथ साथ. तो आमिर का लगाया नहीं, इन्होंने लगाया नहीं उसका भी, उसने लगाया नहीं. यार आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता नहीं वैसा नहीं है, बट मुझे एक्चुअली 31st और जनवरी का मंथ जो है मेरा बर्थडे वाला वो फैमिली के साथ बिताना ज़्यादा पसंद है. ओके, आने वाले दिनों में कुछ अगर आप बताना चाहें, कोई नया सॉन्ग शूट कर रहे हैं या कोई रियलिटी शो में जाने की तैयारी है? यार अभी तो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा बिकॉज मेरे कुछ एम्स हैं, मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ. और अगर रियलिटी शो की बात की जाए तो बिग बॉस में इंटरेस्ट होगा बट अब नहीं. लेट्स सी. आखिर में अपने फैंस से एक लवली मैसेज. आई लव यू ऑल और अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच.